लेकिन जब उसने अच्छा किया तब भी आपका बनता है कि आप उसको अप्रिशिएट करें। वो हमारा कैप्टन है, उससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है अभी टीम में, ये बस बात क्लियर है। और उसने वो किया जो बड़े बड़े कैप्टन्स ने नहीं किया पाकिस्तान के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, यस, पाकिस्तान हैज़ डन इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। पाकिस्तान आज तक ODI में नंबर वन कभी नहीं बने। वी हैव गॉट ग्रेट कैप्टन्स, वसीम अकरम, इमरान खान, वकार यूनस, इंजमामुल हक, मोहम्मद यूसुफ, शाहिद अफरीदी, यूनस खान, मिसबाहुल हक, शुएब मलिक और भी बहुत बहुत बड़े हैं जिनके नाम मैं मिस कर चुका हूँ। कोई भी वो नहीं कर सका जो बाबर आजम कर सका। बाबर आजम ने किया है, कल जो बाबर आजम ने किया है वो कोई भी नहीं कर सका। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री पाकिस्तान वन आया। बहुत क्रिटिसिज्म होती थी बाबर आजम पे कि ये मैचेस इसकी बैड कैप्टनसी की वजह से, बैड टैक्टिक्स यूज़ करने की वजह से और प्रॉपर इम्प्रोवाइजेशन ना करने की वजह से हम मैच हारते हैं बाबर आजम की कैप्टनसी की वजह से। लेकिन उसने वो कर दिया जो किसी ने नहीं किया। इमरान खान ने 1992 में वर्ल्ड कप जितवाया लेकिन फिर भी वी नेवर टॉप द चार्ट्स ऑफ द ODI रैंकिंग्स। ये पहली दफ़ा हुआ है हिस्ट्री में। उसके अलावा आई वॉन्ट टू से दैट पाकिस्तान हैव चिप एट द राइट टाइम जस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप, एशिया कप, दो मेजर इवेंट्स आ रहे हैं पाकिस्तान के लिए। उससे बिल्कुल पहले हमारी कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही होना शुरू हो गई हैं, टीम एक दूसरे के साथ जेल होना शुरू हो गई है और एक अच्छा कॉम्बिनेशन सेट हो गया है हमारा फर्दर टूर्नामेंट्स के लिए। सबसे पहले बात करें इस टूर्नामेंट के वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स की, फ़खर जमान। उस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म था क्योंकि उसने बहुत सर्विसेज दी हैं पाकिस्तान क्रिकेट को। अगर आप ODI के हाईएस्ट स्कोर्स देखें ना पाकिस्तान के लिए, तो उसमें टॉप फाइव में से तीन स्कोर्स फ़खर जमान के हैं पाकिस्तान के लिए। एक 210 नॉट आउट अगेंस्ट जिम्बाब्वे, 193 की आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली थी उसने, जहां पर टेल के साथ उन्होंने स्पेशली मैं कहूँगा कि बैटिंग की थी और एक इम्पॉसिबल चेस थी जिसको एक मिरेकल ही होना था अगर वो जिता देते, लेकिन अनफॉर्चुनेट थे वो रन आउट हो गए। एक शीकी तरीके से डिकॉक ने उन्हें डिसमिस किया, लेकिन दैट वाज वन ऑफ द टॉप नॉक ऑफ फ़खर जमान करियर। उसके अलावा 180 नॉट आउट इस सीरीज़ में, तो ये टॉप फाइव में से तीन उसकी इनिंग्स हैं जो उसने खेली हैं और वो बड़े मैच का प्लेयर है और लंबी इनिंग्स खेलने वाला प्लेयर है और हमें उसकी गेम में नज़र आ रहा है कि वो अपने आप को टाइम दे रहा है, पिच पे टाइम लेता है और अपनी गेम में ड्यूरेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहा है। स्पिन पे वो काफ़ी वीक थे, उनके काफ़ी वीक लिंक्स थे, उन्होंने उस सबको क्लियर किया है, मेहनत की है, कम बैक किया है। इश सोदी को जिस तरह इस सीरीज़ में उन्होंने टेक किया है और स्पिनर्स बाकी भी हैं जिनको टैकल किया जिस तरह, इट्स टोटली आउटस्टैंडिंग। और वो एक ODI का एक जाइंट डेंजरस बैट्समैन है। T20 में थोड़ा बहुत हमारे रिजर्वेशंस हैं काफ़ी लोगों की, वो उनके नंबर की वजह से, बैटिंग पोजीशन की वजह से थोड़ा बहुत उनका जोन सा बैटिंग पोजीशन की वजह से थोड़ा बहुत T20 में फ़खर जमान का परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हुई है क्योंकि वो पावर प्ले यूटिलाइज़ करने वाला प्लेयर है और उसको बैटिंग मिलती है लेटर ऑन इन द इनिंग्स, तो उस वजह से T20 में इस तरह की वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट बेसिस पर नहीं दे पाया। लेकिन फिर भी इज़ अ बिग एसेट्स ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम, उसको वो कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं मिली जो वो डिज़र्व करता है। अंडर द स्पॉटलाइट वो कभी नहीं आया, बाकी प्लेयर्स अटेंशन ले जाते हैं फैंस की, लेकिन फ़खर जमान इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडर रेटेड कैंडिडेट ऑफ पाकिस्तान साइड राइट नाउ। उसके अलावा फ़खर जमान हैज़ बिकम द सेकेंड फास्टेस्ट, ज्वाइंट सेकेंड फास्टेस्ट टू 3000 ODI रन, 67 इनिंग्स भी उन्होंने किए, आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है और बड़े बड़े प्लेयरों को पीछे छोड़ा है, विराट कोहली जैसे प्लेयर्स को पीछे छोड़ के आए हैं। उसके बाद बाबर आजम, आउटस्टैंडिंग प्लेयर, 17 लास्ट ODI इनिंग्स में उनकी सिर्फ तीन इनिंग्स हैं जिनमें उनका स्कोर 50 से नीचे है, 17 लास्ट ODIs में। उसमें सेंचुरीज हैं, 158 अगेंस्ट इंग्लैंड, फिर दो सेंचुरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वो कट्ठी जो मारी थी बैक टू बैक दो सेंचुरीज, उसके बाद सेंचुरी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ और आज सेंचुरी अगेंस्ट न्यूजीलैंड। उसके अलावा सिर्फ 50s हैं उनकी, सिर्फ तीन इनिंग्स हैं जिनमें उनका स्कोर 50 से कम है और एक उसमें से 49 भी है जो फर्स्ट ODI में हुआ था। तो ये देखते हैं कि ये अनरियल कंसिस्टेंसी है, माइंड ब्लोइंग कंसिस्टेंसी है कि एक प्लेयर इतना कंसिस्टेंट कैसे हो सकता है कि 17 इनिंग्स में सिर्फ उनकी तीन इनिंग्स हैं जिनमें वो 50 से कम पे आउट हुए हैं। तो इट्स एब्सोल्यूट डोमिनेंस बाय बाबर आजम। वो रेटिंग्स में भी ICC के मुझे नहीं लगता कि वो नियर फ्यूचर वो सेकंड या फर्स्ट से नीचे गिरेंगे जिस तरह की उनके रेटिंग्स हैं। इंशाल्लाह 900 प्लस पॉइंट्स वो करेंगे और वो उन्होंने अपनी जगह वहाँ पर बुक कर ली है। उसके अलावा ही बिकेम द फास्टेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टू स्कोर 5000 ODI रन, 97 इनिंग्स में उन्होंने किया और एक आउटस्टैंडिंग कॉम्बिनेशन बन गया है।
थोड़ा बहुत हमारा नीचे से बात हो रही है कि इफ्तिखार और हारिस को ट्राई करना चाहिए इस मैच में किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड कप में इतना हमें डिस्टर्ब करने चाहिए अपने कॉम्बिनेशंस। नवाज़, शदाब और आगा सलमान, ये तीन स्पिन ऑलराउंडर्स हैं जो बैटिंग भी करते हैं टेल के साथ और अच्छा टारगेट सेट कर देते हैं, तो इनको डिस्टर्ब करने की अनलेस एंड अनटिल कोई इंजरी हो जाए या कोई इस तरह का इशू आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि इस कॉम्बिनेशन को पाकिस्तान साइड जो है वो छेड़ेगी। बाकी 4-0 से हम ये सीरीज जीत गए हैं, आउटस्टैंडिंग डोमिनेंस। सबको पता था कि 5-0 से जीतेंगे तो हम नंबर वन पे रहेंगे, अभी हम आए हैं नंबर वन पे, लेकिन अगर हम फिफ्थ वनडे जीतेंगे तो फिर वो कंफर्म होगा स्पॉट, वरना हम दो दिन के मेहमान हैं, फिर हमने वापस नीचे आ जाना। तो सबको पता था कि हमने 5-0 करना है तो हम वन आएंगे, और एवरीवन वाज हंग्री टू बिकम द फर्स्ट टू बिकम द नंबर वन साइड ऑफ द वर्ल्ड। टेस्ट में भी हम 2016 में मिसबा की कैप्टनसी के अंडर हम नंबर वन पे आए थे, जब वो इंग्लैंड के खिलाफ हम इंग्लैंड में जाके दो टेस्ट जीते थे, एक लॉर्ड्स वाला और एक वो यूनुस खान की सेंचुरी वाला टेस्ट मैच, डबल सेंचुरी वाला टेस्ट मैच। तो T20 में तो हम काफ़ी अरसे तक रहे लेकिन ODI में आज तक नहीं रहे, और ODI में हमारे जो उनसे साइड को अंडर रेट किया जाता था क्योंकि हमारे पास मिडल ऑर्डर में बैट्समैन नहीं थे, लंबी इनिंग्स खेलने वाले एंकर रोल प्ले करने वाले बैट्समैन नहीं थे, लेकिन जो टॉप थ्री अभी हमारा बन गया है सारे टच में है। फ़खर ने दो सेंचुरी की, एक 117 और एक बड़ी 100-180 नॉट आउट, इमाम ने 90 किया, बाबर ने भी अभी सेंचुरी कर ली है, तो टॉप थ्री हमारे जो इतना सॉलिड है, इतना कंसिस्टेंट है कि नीचे वालों को उतना मौका नहीं मिलता। अब आगा सलमान अगर एक दो मैचेस में ऑफ कलर दिखाई दे, उसको ड्रॉप किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी कोई ज्यादती हो सकती है, क्योंकि उसने हमेशा परफॉर्म किया है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है, और सबसे बड़ी जो बात है कि वो टेल के साथ बैटिंग करता है और हमेशा वो एक अच्छा सेट कर देता है टारगेट। कल भी उसने आउटस्टैंडिंग एक 50 की है, बाबर के साथ अच्छी पार्टनरशिप की है, तो कॉम्बिनेशन हमारे सेट हैं। एशिया कप में हम एक अच्छे पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाएंगे, एशिया कप अगर हम जीते या हम अच्छा परफॉर्म किया तो वही कैरी करके हम वर्ल्ड कप में जाएंगे, और हमारे बहुत ब्राइट चांसेस हैं। 8 अक्टूबर को इंडिया और पाकिस्तान का मैच है अहमदाबाद स्टेडियम में, जिसकी कैपेसिटी 1,32,000 है, और वो होपफुली फुल हाउस होगा, और जो मैच होगा, जो एनर्जी होगी क्राउड में, वो देखने वाली होगी। तो इट विल बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर द फैंस इन द स्टेडियम, इन जो घरों पर देखेंगे और जो प्लेयर्स हैं स्पेशली खेलेंगे, वो एक बहुत बड़ा मैच होगा, वर्ल्ड कप पाकिस्तान इंडिया इन अ फुल पैक स्टेडियम ऑफ मोर देन लैक स्पेक्टेटर्स। और बाबर आजम का मैं कहता हूँ कि बहुत क्रिटिसिज्म होती है उसकी कैप्टनसी पे, लेकिन थर्ड ODI में उसकी जो कैप्टनसी थी वो बहुत दिल को खुशी देने वाली कैप्टनसी थी उसकी, कि नसीम को उन्होंने जब वापस लाया उसने विकेट ली, वसीम जूनियर को वापस लाया उसने विकेट ली, इस मैच में भी लेफ्ट हैंडेड जब दोनों आए, इफ्तिखार और आगा को जिस तरह यूज़ कर रहा है वो लेफ्ट हैंडेड के अगेंस्ट, क्योंकि आपको पता है कि लेफ्ट हैंडर्स जो है ऑफ स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, उसने सही तरह यूज़ किए अपने वेपन्स को, और ठीक है उस पर क्रिटिसिज्म होती है, बनती भी है कई दफ़ा, लेकिन योर एप्रिसिएशन शुड बी एज लाउडर एज योर क्रिटिसिज्म वॉज। आपने अगर क्रिटिसिज्म किया उस पर ठीक है, लेकिन जब उसने अच्छा किया तब भी आपका बनता है कि आप उसको अप्रिशिएट करें। वो हमारा कैप्टन है, उससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है अभी टीम में, ये बस बात क्लियर है, और उसने वो किया है जो बड़े बड़े कैप्टन्स ने नहीं किया पाकिस्तान के लिए। कीप सपोर्टिंग हिम, कीप सपोर्टिंग पाकिस्तान टीम, इंशाल्लाह विल ब्रिंग द कप टू पाकिस्तान on 19 November 2023, inshallah. Keep liking, subscribing, press bell icon and keep supporting me, inshallah. Kapara.